हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो CHSL एग्ज़ाम हो रहा है वो पोस्टपोन होने वाला है। पूरा एग्ज़ाम आपका नहीं कराया जाएगा, और कब से पोस्टपोन हो रहा है पूरी जानकारी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि नाइट कर्फ्यू 8 बजे से चल रहा है कई सारे राज्यों में, और साथ ही साथ कई सारे राज्यों में सैटरडे और संडे का जो है वो फुल लॉकडाउन है, पूरे दिन का लॉकडाउन हो गया है। और साथ ही साथ ट्विटर पे भी घमासान चल रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कराने को लेके। तो आप समझ ही सकते हैं, जब शनिवार संडे का पूरा लॉकडाउन है कई राज्यों में, जैसे MP हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इन राज्यों में कई सारी जगहों पे पूरा फुल लॉकडाउन है शनिवार संडे का, इसलिए आपका ये एग्ज़ाम शनिवार से पोस्टपोन होने जा रहा है। आप आज भर का और वेट कर लीजिए, और कल शुक्रवार का आपका 100% नोटिस आ जाएगा SSC की तरफ से एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेके। और ये 100% सटीक जानकारी दे रहा हूँ, आप कल तक का वेट करिए, शुक्रवार को शाम तक आपका नोटिस आ जाएगा। नोटिस ना आए उसके बाद आप डिसलाइक ज़रूर करिएगा, अभी डिसलाइक मत करिएगा, अभी आप कल तक का वेट करिए और 100% जानकारी। और जिस लोगों को भी जिनका भी टाइम मिल रहा है अब उन्हें आगे पोस्टपोन होने के बाद, तो अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, कम से कम 1 महीना आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, ऑल द बेस्ट जिन्हें भी टाइम मिला है, अपनी तैयारी अच्छे से करिए और सफल होइए।